हैं जिनमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं कि हम उन ट्रिक्स को याद करेंगे, उन फॉर्मूलाज को याद करेंगे, फिर उनको पुट करेंगे, उनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें हमें पेन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पेन की हेल्प से इसको ज़्यादा किया जाता है, उसको जनरल मेंटल एबिलिटी बोला जाता है। दूसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में वो क्वेश्चन आते हैं जिसमें माइंड का ज़्यादा यूज होता है। किसका ज़्यादा यूज होता है? माइंड का, हमारा जो ब्रेन है वो ज़्यादा यूज होगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। मतलब हम अपने माइंड में सोच के इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ कुछ यूज हमारा पेन का भी होगा। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए है, वो चीज़ बनाने के लिए हमें पेन की जरूरत होगी, लेकिन मेन काम किसका रहेगा? हमारे माइंड का, लॉजिक का। माइंड का मतलब लॉजिक, हमारे लॉजिक किस प्रकार से बनेंगे उस क्वेश्चन में माइंड का यूज होगा। और जो लास्ट पार्ट है एनालिटिकल रीजनिंग, तो एनालिटिकल रीजनिंग में वो क्वेश्चन आते हैं जिनमें पेन का यूज तो होगा ही होगा, प्लस माइंड का यूज भी होगा, मतलब इन दोनों का कम्बिनेशन होता है एनालिटिकल रीजनिंग। तो इन अलग-अलग टाइप में किस किस प्रकार के टॉपिक आते हैं, किस किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, नॉन वर्बल के बारे में बता चुका हूं, ऐसे क्वेश्चन जो अभाषिक होंगे, जिनमें सिर्फ आकृति होंगी। ठीक है, वर्बल के तीन पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है वो जनरल मेंटल एबिलिटी का सिलेबस है। जनरल मेंटल एबिलिटी का क्या है? सिलेबस है। इस पार्ट में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक होते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले टॉपिक लिखा है अल्फाबेट टेस्ट। कौन सा लिखा है? अल्फाबेट टेस्ट। तो अल्फाबेट टेस्ट में ऐसा टॉपिक